यस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखो, कल हमने जो डिस्कस किया था वो अंशतः कर्मुक्त बद्धे। मैंने आपसे बताया था कि ये अंशतः कर्मुक्त बद्धे जो इस प्रकार के बद्धे हैं जिनमें जितनी राशि रिसीव होती है उसमें से एक मानक राशि की कटौती नियमानुसार दे दी जाती है और शेष बची जो राशि होती है वह शेष बची हुई राशि ही टैक्सेबल। आज हम बात करेंगे अंशतः कर्मुक्त बद्धे जो कर्तव्य पालन हेतु दिए जाते हैं। ध्यान दें, अगर कर्तव्य पालन करना है आपको, मतलब ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए अगर आपको कोई बद्धे दिए जाते हैं तो उनमें अंशतः कैसे होगा भाई टैक्स। तो यहां पर आप एक चीज ध्यान देंगे, व्यय होने पर कर मुक्ति शेष बची राशि करी ध्यान दें आप। जैसे आपको किसी बत्ते के लिए 10,000 रुपये पेमेंट किया जाता है परंतु उस बत्ते पर जो एक्सपेंसेस हुआ आपसे वह 8,000 ही हुआ, तो 2,000 रुपये आपको निश्चित रूप से ज़्यादा मिले हैं। करते हुए पालन के लिए मिल गए 10,000 परंतु खर्च कितने हुए 2,000, पूरे 10,000 खर्च हो जाते, 8,000 खर्च के हो जाते पूरे 10,000, तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होता। परंतु अगर खर्च हुए हैं केवल 8,000 तो 2,000 रुपये की राशि आपको क्या कर योग्य करानी पड़ेगी। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप ध्यान देंगे। इनमें ये वो अंशतः कर्मुक्त बद्धे हैं जिनमें एक्सपेंसेस हो जाना चाहिए, यदि नहीं हो पाता है तो वह राशि क्या बन जाती है, कर योग्य बन जाती है। कुछ बद्धों को मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। कर्तव्य पालन के लिए सबसे पहले यात्रा बद्ध, कल भी हमने बात की थी कि यात्रा बद्धे की घर से ऑफिस और ऑफिस से घर जाने वाला यात्रा बद्ध समाप्त कर दिया गया है। अब उसके ऊपर किसी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी, पहले 1600 रुपये फिक्स थी अब नहीं मिलेगी। यहाँ ये यात्रा बद्ध क्या, देखिए कर्मचारी को जो है नियोक्ता द्वारा ऑर्डर लेने या पेमेंट कलेक्ट करने या किसी अन्य कार्य से यात्रा के लिए यदि भेजा जाता है तो वह कुछ पे करके भेजते हैं कि भाई हाँ ये अमाउंट आपको पे कर दी, आप ले जाइए ये अमाउंट। अब अगर वह अमाउंट पूरी एक्सपेंस हो जाती है तो यात्रा भत्ता क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा यहाँ पर, और जितनी राशि बचा ली जाती है वह राशि क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। यानी हम टैक्सेबल कैसे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, इसमें रिसीव्ड माइनस एक्सपेंड इज इक्वल टू, अगर रिसीव्ड और एक्सपेंड जो है वो सिमिलर है तो फिर टैक्सेबल राशि जीरो आएगी, और यदि इनमें कोई चेंज है तो फिर टैक्सेबल राशि में चेंज हो जाएगा और वो टैक्सेबल राशि टैक्सेबल में शामिल हो जाएगी। पर तो ध्यान रखें, यदि जितना रिसीव हुआ उससे भी ज़्यादा खर्च हो गया तो आप इस चीज़ के लिए परेशान ना होइएगा, इसको माइनस में नहीं दिखाना है। ज़्यादा खर्च हो गया तो वो अपने ऑनर से या अपने जो एम्प्लॉयर है उससे और भी अमाउंट क्या कर लेगा, रिसीव कर लेगा। ऐसी दशा में हम टैक्सेबल राशि कुछ भी नहीं दिखाएंगे। यात्रा भत्ता के बाद है डेली अलाउंस, दैनिक भत्ता। दैनिक डेली अलाउंस भी इसी प्रकार का अलाउंस है, यदि जो रिसीव हुआ है पूरा एक्सपेंसेस हो गया तो कोई भी राशि टैक्सेबल नहीं होगी, यदि पूरा एक्सपेंसेस नहीं हो पाता है तो राशि टैक्सेबल हो जाएगी जो रिमाइंडिंग बची। डेली अलाउंस दैनिक भत्ता। इसके बाद आता है कन्वेंस अलाउंस, सवारी भत्ता। कन्वेंस अलाउंस क्या, देखो ट्रैवलिंग अलाउंस क्या और कन्वेंस अलाउंस क्या,
कन्वेंस जो है वह कोई भी ऑफिस से घर और घर से ऑफिस आने जाने के लिए किसी प्रकार का पेमेंट किया जा सकता है। इसके अलावा कन्वेंस अवेलेबल करवाया जा सकता है कि आप ये मोटरसाइकिल रख लीजिए, आप ये कार रख लीजिए और इसको चलाने वगैरह के खर्चे भी अगर दिए जाते हैं। तो ऐसा अलाउंस यदि दिया जाता है तो उस अलाउंस में भी पूरी राशि अगर एक्सपेंसेस हो गई तो टैक्सेबल कुछ नहीं होगा, अगर नहीं हुई बच गई कोई राशि तो वो टैक्सेबल हो जाएगी। इसके बाद हेल्पर अलाउंस, यदि कार्य के लिए कोई हेल्पर रखा जाता है, किसी प्रकार का कोई सर्वेंट अलाउंस जो है उसकी हेल्प करने के लिए दिया जाता है, तो हेल्पर अलाउंस में जो है वह टैक्सेबल होगा यदि बचा दी जाती है अमाउंट तो, और अगर पूरी खर्च हो गई तो कहीं कोई टैक्सेबल नहीं होगा। इसके बाद आता है एकेडमिक अलाउंस, ध्यान दें चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस से अलग है, बच्चों की जो शिक्षा होती है उससे रिलेटेड नहीं है ये, यह रिलेटेड है स्वयं की कोई एकेडमिक क्वालिफिकेशन बढ़ाने के लिए यदि किसी प्रकार के एक्सपेंसेस करता है कर्मचारी और वहां पर कुछ भत्ता मिल रहा है तो ऐसी स्थिति में जो बचाई गई राशि है वो क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। और इसके बाद आता है वर्दी भत्ता, और वर्दी भत्ता यूनिफॉर्म, आप थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करें, ये सभी कार्य किसी निजी उद्देश्यों से नहीं है, यानी कर्मचारी का कोई निजी उद्देश्य यहाँ सॉल्व नहीं हो रहा है, सभी कार्यों में कर्मचारी का कोई उद्देश्य नहीं है, नियोक्ता का ही उद्देश्य है। यदि यात्रा पर भेजा है तो नियोक्ता ने कार्य से भेजा है, कहीं भेजा है डेली अलाउंस दे रहे हैं तो वो भी कार्य से भेजा है, सवारी भी उनके आने जाने के लिए दी जा रही है, हेल्पर भी इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि काम जल्दी हो सके। इसी प्रकार से शैक्षणिक अकेडमिक क्वालिफिकेशन भी उसकी बढ़ाई जा रही है तो वो वहाँ पर अच्छे से परफॉर्म करेगा, वर्दी भी उसको इसलिए कि वहाँ पर वो वाला एलोकेटेड है, सारी जो चीज़ें हैं ये कर्तव्य पालन के कारण हैं, इस वजह से व्यय होने के आधार पर कर्मुक्ति मिलेगी। अगर कोई राशि बचा ली जाएगी तो वह राशि क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। कैसे हो जाएगी ये हम लेते हैं इसके बाद वाले वीडियो में जो एग्जाम्पल ले रहे हैं उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।